कांग्रेचुलेशन अद्दान खत्म कर दे भाई आप एंड एंड बोल दे लाइक यू मैन और दो है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टली होता है सबकी लाइफ में होता है, पर ये पार्टली है थोड़ा सा है ऐसा सबकी लाइफ में होता है, और वो जो आंसू है वो ग्लिसरीन से है। अभी पैस करेगा अभी तो हम लोग का तो अच्छा लगेगा, भाई ने इतना प्यारा परफॉर्मेंस किया है, सॉन्ग भी बहुत अच्छे एक्टिंग भी किया है, तो अभी हम लोग तो बोलेंगे बदनाम खा कर आए थे इस फिल्म को इस यात्रा नाम के अदनान के मंच पे जाएगा। तो बहुत ही अच्छा वीडियो किया है, कुछ अलग है, गॉड ब्लेस यू और ऐसे ही तरह की जी मैंने सुना, मुझे बहुत पसंद आया, और जितना गाना पसंद आया वो उतनी मुझे वीडियो भी पसंद आई। बहुत अलग फ्लेवर आ रहा है वीडियो में, यू नो आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी अलग है जो हम वीडियोस आजकल देख रहे हैं उससे, तो आई पर्सनली लव्ड इट। हाँ आई थिंक वो थोड़ा मिला रहे हैं लोग उसको, बट आई थिंक अदनान हैज़ एक्टेड रियली वेल, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी स्टोरी है, और उनको परफॉर्म करने के लिए मिला आई थिंक विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि एक एल्बम में मोस्टली आपको इतना कुछ मिलता नहीं है अपने स्किल्स दिखाने के लिए, एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए, बट इसमें उनको पूरा मौका मिला और आई थिंक उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया उसको। सो या मुझे भी बहुत अच्छी लगी एक्टिंग भी और जो एल्बम है वो भी। सो क्या बोले, बिकॉज पहले अदनान भाई की कोई मतलब कि इतनी मतलब कि राहुल ने गाया था, और आप सब जानते हैं वो टाइटल को कितना पसंद किया था तू आशिकी के लोगों ने, और बस आई एम वेरी वेरी हैप्पी जब मुझे मैंने नाम पढ़ा कि उन्होंने गाना गाया था, आई वाज रियली हैप्पी एंड या सो वी हैव कम टू विश देम ऑल द बेस्ट। हाँ जी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और सारे अपडेट जैसे हम आपको देते रहते हैं वैसे देते रहेंगे, एवरीथिंग कमिंग वेरी वेरी सून, एंड जिस तरह से आप लोग इतना प्यार देते हैं और हमेशा आते हैं हमें विश करने के लिए, वी रियली होप कि उसमें भी आएँ, एंड दैट्स इट, थैंक यू। राम जी का नहीं नहीं हमने राम जी का गाना नहीं किया इस बार इस बार उनका गाना नहीं किया, बस सू इंशाल्लाह सू, थैंक यू। मैं रो दिया बाल कलर का है, मैं रो दिया था क्यों इंटरव्यू में, क्यों ऐसा देख लेना मालिक, चलो
था, कभी कभी बोलने वाला था, मैं उतने में आपने बोल दिए। इंटेंस लुक, दर्द भरा, इसे बड़ा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हो पाएगा। आप स्टोरी बहुत अच्छी लगी हम लोगों को, और स्टोरी में तो अदनान ने पूरा मतलब एफर्ट डाला 50% जो हिसाब से पहले हम लोग को आगे स्टोरी बता रहा था। हाँ, शूट भी बहुत अच्छा किया है, इसी की स्टोरी है। पार्टली थोड़ी। और इन लोग को गाना रिलीज होने से पहले जब गाना लॉक हुआ था वो टाइम पे इन लोग को मैं कहीं पे भी ट्रैवल करते थे कार से, तो मैं बार बार प्ले करके इन लोग को मैं बताते रहता था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके लिए ये लाइन के लिए ये सीन है, ये लाइन के लिए सीन है, यहां गया था, वहां गया था। बहुत अच्छा शूट हुआ। शूट के टाइम भी बहुत सारे अदनान के वीडियोस वायरल हो गए थे दरगाह। हां बहुत हो गए थे, मतलब लोग सोच रहे थे कि वो लड़की कौन है। हां, किसको फोन दिया इसने, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। अगर अभी सबको खुलासा हो गया कि वो वीडियो सॉन्ग का। खुफिया राज, खूबिया बोलेंगे, मेरे को लगा खुफिया राज बोल रहे, खूबी बोल, खूबी अदनान के अंदर खूबी सब टैलेंट, सब कर लेता है, सब टैलेंट है, टैलेंट बहुत है। ये डांस भी कर लेता है, ये जिम भी कर रहा है, ये गाना भी गा रहा है, गाना अच्छा सिंगर है, मुझे बोलता है कि मैं अच्छा गाता हूँ। और बहुत सारी खूबी बताइए, बहुत है, ख़त्म नहीं होती। सो थैंक यू सो मच, आप इतना प्रेशियस टाइम निकाल के मेरे लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा होता ही है अदनान में ना, हमेशा थोड़ा थोड़ा सब लोग लेट हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो सफाई यहाँ से चालू होगी, सफाई यहाँ से चालू होगी, क्योंकि लोनावला गया, क्योंकि मैं लोनावला गया था, इन लोग मेरे से पहले आ चुके हैं, और मैं चलो चलो कोई बात, भी बर्थडे था ईशान का आज, तो हम लोग वहाँ पे ऐसे थोड़ा लेट हो गया सेम, और डायरेक्ट लोनावला से एक केक मंगा लेंगे नहीं ऊपर। बहुत अच्छा सॉन्ग आने वाला है, एक वीडियो सॉन्ग है, और बहुत ही जल्दी शूट होने वाला है, और सबका कैरेक्टर ना सबके ऊपर सबके ऊपर डिफाइन था हमारे। हां अच्छा तेरा, सॉरी सर, चेक भी ना लोग ले चाहे। एक और म्यूजिक वीडियो आ रहा है, एक इसका आ रहा है, और एक और ग्रुप सॉन्ग आने वाला है बहुत जल्दी, जो शूट होने वाला है, जिसमें हम लोग पाँचों दिखेंगे, और बहुत ही मज़ा आने वाला है वो, और लोगों की जुबान पर आएगा, आप लोग के कदम नहीं रुकेंगे वो गाने का, डांस करने लगे। हाँ नहीं, डांस करने लगोगे, मैं गाना सुन के थोड़ा कम बोलता है, थोड़ा शर्माता है। नहीं, मैं इसकी बात का पूरा कंप्लीट कर रहा था सेंटेंस। होएगी पार्टी तो अभी हुई नहीं है, कल है यार, आप लोग को जरूर आना है, 10 मिलियन की पार्टी है, और बहुत ही खुश है हम लोग की इंडिया का फर्स्ट इन्फ्लुएंसर मेल इन्फ्लुएंसर, फर्स्ट मेल इन्फ्लुएंसर, नहीं मैं तेरे बारे में बोलूँ, तो बहुत ज़्यादा खुश है हम लोग की, हम लोग के ग्रुप से है जो मेल इन्फ्लुएंसर 10 मिलियन मारा है, छोटे छोटे क्लिप वायरल हो गए हम लोग, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि हम लोग की टीम में, हम लोग की टीम का एक मेंबर जो 10 मिलियन क्रॉस कर चुका है, क्रॉस किया है, बहुत प्राउड फील करते हैं हम लोग इसके ऊपर, और बहुत आगे जाएगा, मे अल्लाह ब्लेस यू, तुम और आगे जाओ, और जो तुम चाहते हो वो अचीव करो, माशाल्लाह। थैंक यू, आसिम शहनाज सिद्धार्थ मेरे हिसाब से, ये तीन ही रहेंगे मेरे हिसाब से। हाँ सेम सेम, पहले तो शहनाज बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे, उसकी बात ही बहुत क्यूट है, और सिद्धार्थ भाई की बात है तो वो भी बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, पर ज़्यादा देखते हैं बिग बॉस। हाँ, मैं बहुत देखता हूँ, इन लोग सभी अच्छा खेल रहे हैं, बता रहे हैं लोग सभी अच्छा खेल रहे हैं, सब अच्छा खेल रहे हैं, आसिम भी बहुत अच्छा खेल रहा है, आसिम भी बहुत अच्छा खेल रहा है, मतलब वो जो हिसाब से खेल रहा है ना वो एकदम नेचुरल लग रहा है, वो नेचुरल क्या आ रहा है, टॉप थ्री में मतलब है वो पक्का है, टॉप थ्री में हम लोग के हिसाब से सिड, शहनाज और आसिम, ये तीनों में बैटल लेगी आगे। समीर सर इन द हाउस, थैंक यू सो मच समीर सर, आओ ना समीर सर, आइए सर, आओ सर, आओ। हम लोग तो उतना नहीं फॉलो कर रहे शो को, पर जितना फॉलो कर रहे हम लोग उतना बताया, अभी ज़्यादा देखते तो हम लोग बता सकते थे। हाँ, ये सब स्पेस देख रहे थे तो बता सकते थे, वो
चैनल पे बूट एप्लीकेशन को हैंग करने में फुल हम लोग और कर दिए थे और हो गया था और हो गया था हां वो हैंग हो गया था हो गई मैन अंदर है मतलब अभी थर्ड आएगा थैंक यू सो मच व्हाट्सएप बहुत गर्मी लग रही सर बढ़िया मौसम सेवन सीज में घूम रहे हो कोई जगह सेवन सीज में घूम रहे हो शंटे ही ना बस कम था ना पैसिंग दे यू वांट टू सेव फॉर द पिक्चर सागर सर आज फोटो खिंचा रहे सागर सर फर्स्ट टाइम फोटो निकाल रहे क्योंकि वो मेरे साइड में आधा चेहरा दिखा रहे हैं देखिए छपती नहीं है ना इसलिए सर अभी जरा बहुत सारा काम है बदनाम हो गया नाम हो गया अदनान बदनाम एकदम टाइमिंग है या आई मीन If all of you have seen the video, video बहुत अच्छी तरह निकला है बहुत बहुत अच्छा वीडियो बना है और इसमें अदनान का बहुत खास हाथ है इसने शेयर किया होगा कि वीडियो की डायरेक्शन में इसके बहुत सारे आइडियाज़ हैं और हमें इसकी भी बहुत खुशी है कि जो हमने रिसेंटली एपिक फैम जैम किया था उसकी भी काफ़ी शॉट्स इसमें है जो स्टोरी उससे काफ़ी निकल रही है तो हमें बहुत खुशी हुई कि वो भी इट्स एडेड टू द होल वीडियो And heartiest congrats and all the best for future success as always. Thank you so much, Sameer sir, Sagar sir, team क्योंकि बहुत cooperate किए और epic family का footage दिए हम मुझे और हमेशा हम लोग के लिए रहते हैं हम लोग के लिए खड़े रहते हैं so thank you so much. You're most welcome. Thank you. You can see the depth in acting that he's shown at such a young age, right? The role was a complex role, it wasn't easy role to do. So I think he's come off really, really good. And I mean, this is just the start. So there's much more to go. And if he makes choices like this, I think he's just going to reach this. So it's Tazi. Inshallah. Amazing. Okay, thank you. Sorry, you have to pass it around. एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ हमारे बीच सोशल मीडिया की जान है और सोशल मीडिया की जान आ जाए हैं अदनान के डैड और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है नमस्ते अंकल सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका बेटा मतलब उसनी इतनी ग्रैटिट्यूड के साथ जो है इतना उसने नाम किया है एंड ये जो गाना है ये बहुत ही एक अलग है राहुल भैया ने उसको गाया है बहुत ही अलग वॉइस में तो वो जो वाइब है आपकी आप क्या बोलना चाहोगे इस गाने को लेके ये गाना इतना अच्छा लगा इंशाल्लाह वो बहुत ट्रेंडिंग पे जाएगा और कामयाब होगा थैंक यू बस आप बोल दिए मेरे लिए और कोई वो जो मैसेज आप बोल रहे थे बैक स्टेज और मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे को इतनी तरक्की देगी सलमान भाई की घंटी बज जाए अदनान के मोबाइल पर जी मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ जिस तरह वो इस तरह बच्चा हर एक माँ बाप को अल्लाह ताला दे ताकि वो हर परेशानी में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला कर के उसने मेरा साथ दिया और हमेशा मेरा साथ रहा और उसकी मेहनत से ही आज वो इस मकाम पर है अल्लाह इसको और तरक्की देगा इंशाल्लाह पहले स्टार्टिंग में पता नहीं था बगो छोटा भाई भी है यहाँ पे अब्दुल और एकदम राइट टाइम पे आया एकदम राइट टाइम पे हेलो अरे कुछ नहीं चलो ठीक है
यस 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 दोनों का अदनान मेरा अदनान मेरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, ये शेर है मेरा और मुझे इससे बहुत उम्मीद है और आप सब सभी लोगों की दुआएं हैं मेरे बच्चे के साथ। मैं समझता हूं कि जितने व्यूवर्स देख रहे हैं सब लोग बहुत प्यार देंगे और इसकी कामयाबी में सब लोग कोऑपरेट करेंगे और मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अल्लाह ताला मेरे सलमान भाई की घंटी इसके मोबाइल पे बजा देवे। स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया था तो बहुत डांट सुनता था, डेली फ़ोन में लगे रहता था, अब्बा को पता नहीं था ये क्या है। मुझे पता था जैसे कि बाहर के मैं इन्फ्लुएंसर्स लोग को स्टॉक करता था, मेरे को पता था ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना आने वाला है, तो मैं अपने सोशल मीडिया बेस स्ट्रॉन्ग करने लगा था। तो पहले अब्बा बहुत डांटते थे, अब्बा को पता नहीं था, तो बाद में धीरे धीरे जब लोगों का रिस्पांस देखे, अब्बा सूरत गए थे तो वो टाइम पे देखे अब्बा वहाँ पे फेम, तो लोग आके मतलब इतनी रिस्पेक्ट कर रहे और फ़ोटोज़ निकाल रहे, तो अब्बा उसके बाद से बोलना बंद कर दिए तो और सपोर्ट करने लगे। तो बस जो भी है अब्बा मेरे को सपोर्ट किया, पूरा बैकबोन अब्बा स्टार्टिंग से अभी तक का थे और अब्बा के वजह से बहुत ही ऐसा ऑफ स्पेस में तो मैंने गाना गा के सुना दिया जी। आज भी सुनाना होगा, आज भी सुनाना। आज क्या सुनाएंगे? आज ये सुनाएंगे कि करम निगाह ने मुझ पर किया, किया न किया सहारा मुझको किसी ने दिया, दिया न दिया आखिरी वक्त है आ जाओ दो घड़ी के लिए, मरीज इश्क का क्या है जिया, जिया न जिया और ये क्या कम है चले साथ साथ मैयत के गरीब जान के कांधा, दिया दिया न दिया। इसका गाना ये हफ्ते ही शूट होएगा, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता मैं, मगर बहुत ही जल्दी है, 4-5 दिन के अंदर ही शूट होएगा और एक ही दिन में मैं शूट कंप्लीट करूँगा और मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स अगर देखोगे ना आप लोग, फटका धर्म सब डायरेक्ट अदनान भाई करते हैं और शूट का जो भी रहता है कि मतलब किस लोकेशन पे जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो चीज़ ऐसे डायरेक्टली नहीं करते, वो चीज़ सिस्टमेटिकली एक रात पहले या 2-3 दिन पहले उसकी तैयारी करके बुक में लिख लेते हैं पहले कि कल सुबह उठेंगे तो इतने बजे यहाँ जाना है फिर यहाँ जाना है और सेम चीज़ वो अगले दिन कंप्लीट कर ही देते और करके ही छोड़ते, ऐसा नहीं कि मतलब हुआ तो बस पैकअप और चलो, वो चीज़ करके ही छोड़ते। पर ये वाला बहुत ज़्यादा ही 3 महीने खाली म्यूज़िक के लिए लगा, तो अब समझ जाओ आप लोग की म्यूज़िक क्या रहेगा, ये ऐसे रहेगा कि लोगों के पैर ही नहीं रुकेंगे, ये इतना अच्छा पार्टी सॉन्ग है और बहुत 3 महीने से 5 से 6 कंपोज़र म्यूज़िक कंपोज़र में चेंज किए क्योंकि बेस्ट म्यूज़िक के लिए, तो अभी डन हो गया, फाइनल रिकॉर्डिंग भी हो गई है, अब बस शूट करना बचा है, तो 4-5 दिन के अंदर शूट होगा, इसमें हम लोग 5 हैं, मैं, हसनैन, फैसू, सद्दू, फैज़ बलोच, ये और भी बहुत सारे नए टैलेंट हैं पर जिन लोग को प्लेटफॉर्म नहीं मिला है वो रहेंगे, तो वो नेम क्या रहेंगे वो आप लोग को गाना आने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जब हम लोग का इतना अच्छा बेस है तो यंग टैलेंट को मैं प्रमोट करूँगा जिनके व्यूवर्स नहीं है उतने कम है, तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को ये गाने में। Let's do it. बदनाम पे ही कुछ करेगा हाँ, चलेगा। बट मैं बदनाम लिरिक्स बदनाम के ऊपर नहीं लिखाऊंगा, मतलब ऐसे सैड सॉन्ग्स पे नहीं लिखाऊंगा। आज लिख रहे स्टार्टिंग का 4 बस वो बोल देना जो खुद की लाइफ पे लिखा है, दूसरी कॉलेज वाला वो गाना। अच्छा जो अपनी लाइफ पे लिखा वो आया रिजवी कॉलेज में नॉलेज से बदला वही पहली वाली कला को मैं फिर से आज पकड़ा उस पर काम करके शाम करके रातों को मैं देखा मुझ में बाकी थी वो बाती थी जो आग जैसे भड़का लड़का हो गया था जिद्दी लिखी बातें जो सुनाना था ना भाई को ना किसको बोला खुद से ही बनाना था पर पैसों की कमी थी छोड़ो फिर भी मैंने ठाना था तेरे इश्क में बदनाम हुआ तेरे इश्क में मेरा नाम हुआ। एंड वन मोर थिंग जो मैं पूछना चाहूँगी स्पेशली यहाँ पे अदनान है यहाँ पे राहुल जैन है तो मैं पूछना चाहूँगी कि इस नाम की द मोस्ट स्पेशल मेमोरी अगर हम बोलें तो क्या है उस सॉन्ग की मोस्ट स्पेशल मेमोरी। एक इंसिडेंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है इसका, मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये है कि जिस दिन मैं इससे पहली बार मिला और जब इसने मुझे पहचाना और मुझे बताया कि यार यू आर द वन जिसकी वजह से हम लोगों को एक पहचान मिली एक मौका मिला तो मुझे वो जान के बहुत खुशी हुई कि तेरे जैसा यार कहाँ जो गाना था जिसकी वजह से यू नो दे गॉट पॉपुलर
सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरे एकदम दिल को छुआ था. मैंने बोला लेट्स डू समथिंग यार, अब तो और मज़ा आएगा और कुछ नया तहलका मचाते हैं. व्हाट अबाउट यू? मुझे भी आवाज़ तो फर्स्ट टाइम ही मेरे को पसंद आ गई थी. मैं और सर को बोल दिया, मिला ये गाना कोई और नहीं करेगा, सर नहीं करेगा. तो आपके ही नाम से साजिद भाई और मैं गए थे साथ.